चलो तो वील स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ आर प्रोग्रामिंग. सो द फर्स्ट थिंग दैट वील अंडरस्टैंड इज हाउ टू डाउनलोड आर, क्योंकि आपके लैपटॉप्स पे आर होगा नहीं. ठीक है, तो सबसे पहले तो आर प्रोग्रामिंग जो है, आई एम नॉट यूजिंग एनी पीपीटी, आई एम नॉट मेकिंग एनी नोट्स, नाइदर आई एम आस्किंग यू ऑल टू मेक एनी नोट्स, क्योंकि उसका कुछ जरूरत नहीं है. आपको जो भी कुछ लगे कि कुछ लिखना है लिख लो, इट्स ऑल अबाउट कोडिंग. ठीक है, तो व्हेन आई से कोडिंग, एक सेकेंड, अच्छा इसमें ऑन कर रखे क्या. ठीक है, सो व्हेन आई से कोडिंग, बेसिक, एकदम बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज के हम लोग कोड्स यूज करते हैं. अगेन आपको नोट्स अलग से नहीं बनाना, आप लोग आर स्क्रिप्ट में प्रैक्टिस करो, उसको ही आप लोग सेव कर सकते हो, तो वो सब कुछ मैं सिखा दूंगी. ठीक है, ऑल द CS1 स्टूडेंट्स, आर प्रोग्रामिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू क्लियर योर एग्जामिनेशन. वाई? बिकॉज आर में आपको एक्चुअली मार्क्स मिल सकता है. वेराज क्या होता है कि पेपर ए में आप, मान लो आपने 90 अटेम्प्ट करा, 85 अटेम्प्ट करा, 95 अटेम्प्ट करा, क्यों? क्योंकि ऑफ द स्पेसिफिकली इन IFOA टाइपिंग है, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा एंड यू माइट नॉट बी एबल टू फिनिश ऑफ योर एंटायर पेपर. बट CS1 पेपर बी, फॉर दैट मैटर CS2 पेपर बी, बोथ आर कंपेरेटिवली इजियर एग्जाम्स कंपेयर टू पेपर ए. एंड ट्रस्ट में, आप किसी से भी पूछोगे जिनका एग्जाम निकला हो या जिनका नहीं भी निकला हो, बोथ ऑफ देम विल से वन थिंग विच इज कॉमन, की आर प्रोग्रामिंग या पेपर बी बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड पेपर बी में एक्सेल और आर है. ठीक है, आप लोग के सिलेबस में CM1 CM2 में एक्सेल है, CS1 CS2 में आर प्रोग्रामिंग है. नाउ एक्सेल करने को तो इजी है, एक्सेल करने को तो इजी है, बट द थिंग इज कि आपको आर प्रोग्रामिंग में ज्यादा स्कोरिंग है. क्योंकि एक्सेल में क्या है कि आपका लेंदी हो जाता है, या फिर हो सकता है कि आपके आंसर्स ठीक से ना आए, तो आपको ट्रैक करने में मुश्किल होगा कि कहाँ कौन सा इंटरमीडिएट कैलकुलेशन गलत था. यहाँ पे कोड्स लिख रहे हो, एक एक कोड लिख रहे हो, एक एक लाइन रन कर रहे हो, तो उससे आपको समझ में आएगा ना कि कहाँ आपने मिस्टेक करा है, और इसमें एरर शो कर देते हैं और बहुत इलेबोरेटिवली एरर क्या हो रहा है, कैसे अकर हो रहा है, वो भी बता देते हैं. तो उसको रीड करके आप एरर चेंज कर सकते हो. ठीक है, दैट इज आर प्रोग्रामिंग फॉर यू. सो इट्स वेरी इजी, जस्ट नीड टू पुट इन दैट काइंड ऑफ टाइम. यू नीड टू पुट इन 1 आवर 2 आवर्स एवरी डे. फॉर CS1 स्टूडेंट्स यू कैन पुट इन 1 आवर, 1.5 आवर्स. फॉर CS2 डेफिनेटली इट शुड बी मोर देन दैट, 2 आवर्स तो मैं बोलती हूँ सबको देने, बिकॉज CS2 को ऑब्वियसली सिलेबस बहुत ज्यादा है. सो नाउ आर प्रोग्रामिंग में देर आर टू थिंग्स दैट वी नीड टू डाउनलोड. वन इज द आर जी यू आई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एंड वन इज योर आर स्टूडियो. वी विल बी वर्किंग ऑन आर स्टूडियो बिकॉज इट्स अ गुड इंटरफेस. IDE बोलते हैं हम लोग, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट, मतलब डेवलप्ड एनवायरमेंट, बहुत ही जिसको बोलते हैं ना कि सुंदर सा प्लेटफॉर्म है, वेरी यूजर फ्रेंडली, सो यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन वर्क ऑन इट वेरी नाइसली. राइट, सो आर जी यू आई कैसे डाउनलोड होगा? यू कैन, लेट मी ओपन दिस अकाउंट. इज माई स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? लिखो आर जी यू आई लिखो. इसके लिए इंटरनेट चाहिए होगा डाउनलोड करने. आपको अभी खाली इंटरनेट चाहिए डाउनलोड करने, इन फ्यूचर आपको इंटरनेट आर स्टूडियो के लिए नहीं चाहिए. कुछ अगर पैकेजेस हम लोग देखेंगे, वो अगर डाउनलोड करने होते हैं, उसमें यू नीड. वाईफाई कनेक्ट कर लो. चार्ज लगाओ, चार्ज में उधर उधर पे देखो, उस तरफ बैठ जाओ, या तुम, हाँ उधर बैठ जाओ. ठीक है, तो ये वाला देखो, डाउनलोड आर दिख रहा है, 4.4.1 सबका, मेरे साथ साथ करना है सबको. इस पे क्लिक करूं, ऑल राइट, क्लिक ऑन डाउनलोड आर, इट गेट्स डाउनलोडेड. आई एम नॉट डूइंग इट बिकॉज आई ऑलरेडी हैव इट. यू ऑल विल डाउनलोड दिस, विल नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम.
फैन बंद करना पड़ेगा, फैन का निकाल दो. गॉट इट, अंडरस्टूड. इसको क्लिक करके डाउनलोड. नाउ यू विल गेट समथिंग कॉल्ड एज अ एग्जीक्यूटेबल फाइल. ठीक है, समथिंग कॉल्ड एज एग्जीक्यूटेबल फाइल. देखो ये आया होगा आपके में. आपने 4.1.1 करा है आई थिंक. जो भी डाउनलोड हो रहा है ना उसको ओपन कर लो. एक्चुअली मेरे इसमें, मैं देखती हूँ, मैंने फिर से करा नहीं. एक्चुअली ऐसा कुछ डाउनलोड होगा. देखो उसको ना डबल क्लिक करके रन करना है. थोड़ा टाइम लग रहा है मेरे इसमें डाउनलोड होने में. डाउनलोडेड था एक्चुअली, दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू सर्च फॉर यू ऑल. टाइप इज अ डाउनलोड हुआ. देखो ऐसा आएगा. हाँ ये वाला आपके में कुछ और होगा. आपके में 3.4.4 होगा. इसको मैं पॉज कर देती हूँ, एक सेकेंड. डोंट नीड टू डाउनलोड. ऐसा आ रहा है 4.4.1. मेरा में 4.2 है, थोड़ा पुराना वर्जन है. एनीवन विल डू. यस इशिका, नो यू डोंट हैव टू डू दैट. ठीक है, सो डबल क्लिक करो टू ओपन दिस. डाउनलोड हुआ सबका. क्लिक ऑन यस, देन क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड इट विल गेट डाउनलोडेड. इट विल गेट इंस्टॉल्ड. बेसिकली वो इंस्टॉलेशन हो जाएगा. आई एम नॉट डूइंग दिस बिकॉज इट्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड. आप लोग को नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड वो इंस्टॉल हो जाएगा. अनदर मे बी मैक्सिमम 1 मिनट इट विल टेक एंड इट विल बी इंस्टॉल्ड. गॉट इट? ठीक है, डन किया. अगर इंस्टॉल हो गया है देन यू माइट हैव समथिंग लाइक दिस. ऐसा कुछ ओपन हुआ? एक बार यस लिख दो इफ यू गाइज आर हियर विथ मी. 4.1 विल डू. 4.1 थोड़ा पुराना हो जाता है अंगद. एक बार यस लिख दो. यस आई एम वेटिंग. कर लो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं. ये तो नहीं आया आकाश. एमडीआई या फिर एसडीआई कुछ आया तुम लोग के में सिलेक्ट करने को ऑप्शन? जो है बाय डिफॉल्ट रहने दो, कुछ चेंज नहीं करना है. बाय डिफॉल्ट कुछ चेंज नहीं करना है. जस्ट हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट. अंगद यू हैव टू जस्ट गो एंड टाइप जो भी आर मिल रहा है. यू जस्ट सिलेक्ट दैट. जैसे मैंने लिखा था ना आर जी यू आई डाउनलोड, फिर जो भी आर है पहले सेकंड वाला उसको सिलेक्ट कर लो एंड ये इस पे क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लो. आकाश यू डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग. जो भी डिफॉल्ट सेटिंग्स है यू जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट. ठीक है,
यहाँ तक आ गया सबका, किसका किसका नहीं आया। अब देखो ये जो है, दिस पार्ट इज नोन एज आर कंसोल, ठीक है। दिस एरो यू सी, दिस ग्रेटर देन सिंबल, कैन ऑल ऑफ यू सी दिस ग्रेटर देन सिंबल? हाँ दिख रहा है। दिस इज बेसिकली कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट मीनिंग, जब भी ये वाला आपको सिंबल दिखे, नाउ यू कैन स्टार्ट राइटिंग योर कोड। इफ दिस सिंबल इज नॉट देयर, मीनिंग इट्स योर कमांड विल नॉट बी टेकन। दिस सिंबल नीड्स टू बी देयर, कमांड प्रॉम्प्ट। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट एट, लेट सपोज आई राइट 8 + 9, ऑल राइट, आई एम राइटिंग 8 + 9, जस्ट हिट एंटर, जस्ट हिट एंटर एंड यू विल सी दैट योर आंसर इज, यू आर गेटिंग द आंसर 17। माइनस, प्लस, एनी कोड्स, दिस इज अ बेसिक इंटरफेस। यू कैन हैव, व्हेन यू क्रॉस दिस एंटायर थिंग विल बी क्लोज, नथिंग विल बी सेव्ड। इन ऑर्डर टू सेव यू नीड टू ओपन अ न्यू फाइल, सो जस्ट क्लिक ऑन फाइल, न्यू स्क्रिप्ट। व्हेन यू ओपन अ न्यू स्क्रिप्ट, दिस इज अ आर एडिटर, दिस वॉज आर कंसोल। आर कंसोल इज बेसिकली ओनली फॉर द आउटपुट। You can also write the code, but you will get code and output both. You cannot save it for future purposes. But if you want to save your codes, then you have to use a R editor. Here, let's suppose if I'm writing 8 + 9. Here, you don't get a command prompt. And in order to run this, you have to click on Control R, run. Control R. Control, यहाँ पे cursor रख के Control R and see, it is getting executed over here as well. Here you just write the code, here you don't get the answer. That is why this is known as R editor. For example, if I'm writing 9 - 6, Control + R, see, it's getting executed, you're getting code plus answer. Got it? Now if you want, you can save this. Is pe cross karoge, they will ask you, do you want to save the changes? You can save this file for future purposes. Since you have written all the codes over there, you can save it. I've just closed, I am not saving it. Got it till here? Yes or no, try karo. File, new script. Very basic. ठीक है, Control + R, कंट्रोल आर करना है, कंट्रोल एंड आर पे साथ में से क्लिक करना है, कंट्रोल आर। डन। इस पे हम लोग काम नहीं करेंगे, बहुत ही डल, बोरिंग सा, अजीब सा एनवायरनमेंट लग रहा है। हम लोग को थोड़ा अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस पे काम, वील नॉट डू वर्क ऑन दिस, वील जस्ट सिंपली क्लोज इट। आई हैव जस्ट वांटेड टू शो दैट पीपल ऑल्सो वर्क ऑन दिस, पीपल यूज आर जी ओ आई, बट लेट्स यूज अ बेटर इंटरफेस विच इज नोन एज आर स्टूडियो। सो टाइप आर स्टूडियो डाउनलोड। सो द फर्स्ट वन इज आर स्टूडियो डाउनलोड, यू कैन ओपन एनी वन। दिस इज आईडीई फॉर आर, ओके, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट। क्लिक ऑन डाउनलोड आर स्टूडियो। ठीक है, नीचे जाओ, थोड़ा सा स्क्रॉल करो। यू हैव डाउनलोड आर स्टूडियो, डाउनलोड आर सर्वर। आर स्टूडियो डेस्कटॉप दिख रहा है, तो आइदर यू कैन क्लिक ऑन दिस और दिस, एनी वन, सेम है, डाउनलोड आर स्टूडियो। ठीक है, इंस्टॉल आर, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है, ये वाला करेंगे, डाउनलोड आर स्टूडियो फॉर विंडोज। क्लिक ऑन दिस, द मोमेंट यू क्लिक इट विल गेट डाउनलोडेड। आई एम नॉट डूइंग इट, आप लोगों को करना है, एग्जीक्यूटेबल फाइल डाउनलोड हो जाएगा।
गया, ऐसा आया होगा ना, ऐसा आया होगा। आर स्टूडियो डैश मेरा पुराना है वर्जन, आप लोगों का ये वाला नया वाला वर्जन डाउनलोड हुआ होगा 2024, ये वाला है ना, है ना, डाउनलोडेड था तुम्हारा। बाकी सब यस नो? इसको कुछ नहीं करना, क्लिक करके, क्लिक ऑन यस, नेक्स्ट नेक्स्ट, कुछ सिलेक्ट करने का जरूरत नहीं है, नेक्स्ट, इंस्टॉल आ गया, ये पूरा हो जाएगा। आई एम जस्ट कैंसिलिंग इट। कर लो, जब हो जाए ना जस्ट गो टू द सर्च टैब एंड टाइप आर एस एस स्पेस देके एस, यू विल गेट दिस आर स्टूडियो ओवर हियर। यहाँ तक आ जाओ तो सब यस लिख देना एक बार चार बॉक्स में। करो करो, आराम से करो, डाउनलोडिंग है तो करो, एंड आई विल वेट, बिकॉज अगर ये नहीं होगा तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे अपने। ठीक है, करें, आगे बढ़े।
ठीक है, हुआ? तुम वो नहीं खोलना, तुम्हें तुम्हारा वो पूरा इंस्टॉल हुआ था, फिनिश सेटअप आया, फिनिश पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ जाओ, सर्च में आर लिखो, आर एस स्पेस ए के, ये आएगा। अब ये ऐप है, वो एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं खोलना दोबारा। जितने बार वो एग्जीक्यूटेबल फाइल खोलोगे उतने बार ही वो इंस्टॉल करने बोलेगा। दिस इज अगेन अ प्रॉब्लम आई हैव सीन स्टूडेंट्स। डाउनलोड कर लेते हैं, उसी फाइल को बार बार खोलते हैं, उस फाइल को थोड़ी खोलना है। मतलब क्या करते हैं, डाउनलोड कर लिया बट फिर भी इसी को खोल रहे हैं दोबारा। इसको खोलोगे बार बार तो ये तो बार बार इंस्टॉल करने को बोलेगा ना। ये तो आपका एप्लीकेशन है, तो आपका एग्जीक्यूटेबल फाइल है। यू हैव टू गो ओवर हियर, सर्च फॉर आर एस, तो ये वाला आएगा। इसका सिंबल देखो, ब्लू है। डबल क्लिक ऑन दिस एंड योर आर स्टूडियो विल बी ओपनिंग। आपका कैसा दिखेगा मैं दिखाती हूँ, आपका ऐसा नहीं दिखेगा, मैंने एक्चुअली यूज कर रखा है। नहीं, तुमने फिर से गलत खोला है। ऐसा आ रहा होगा आप लोगों को अब, है ना? एग्जैक्टली ये दिख रहा है क्या? आर जी यू आई इज नॉट ओपनिंग, दिस इज आर स्टूडियो। आर जी यू आई अलग था, वो पहले का था, वो ये है। आर स्टूडियो हमने इंस्टॉल किया, अब ये आएगा। आर एस लिखोगे तो ये आ जाएगा, अगर इंस्टॉल कर लिया आर स्टूडियो। सिलेक्ट एनी वर्जन, 64 वाला बिट सिलेक्ट करके आगे भर जाओ। कुछ छेड़ो मत, जो भी डिफॉल्ट सेटिंग्स है वो रहने दो। नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल पे चले जाओ सीधा। जिसका जिसका एरर आ रहा है हैंड रेज करना। यस, रहने दो, जो है जिया मेहता प्लीज, जो है वो रहने दो, उसको चेंज मत करो। माही, देर इज अ नेटवर्क प्रॉब्लम फॉर फ्रॉम योर एंड, तभी हो रहा होगा। हेलो नहीं, मैम, इफ यू वॉन्ट आकर्ष यू कैन मेक इट बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड। यस अंगद, बोलो। मैम जैसे ही आर स्टूडियो वाला ऐप ओपन किया है तो जैसे आपका इंटरफेस दिखा रहा है सामने को मैम, वैसा नहीं आ रहा। लेफ्ट साइड पे बहुत कुछ लिखा रहा है एंड राइट साइड इज सिमिलर जैसे आपको दिखा रहा है। लेफ्ट साइड में बहुत कुछ लिखा हुआ आएगा, मैंने एक्चुअली हटा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, वो रहने दो। ओके मैम, यहाँ पे देखो, ये ब्रूम स्टिक दिख रहा होगा ना, इसको क्लियर कर, इस पे क्लिक करो तो वो क्लियर हो जाएगा। ओके मैम, थैंक यू। वो हमेशा लिखा हुआ आएगा जब भी खोलोगे। और किसी को क्या प्रॉब्लम है बोलो, यहाँ तक सब आ गए फिर? कोई इश्यू है तो बोलो। आर यू गाइज आर हियर विथ मी? तो फिर मैं आगे बढ़ूं अब, सबका हो गया तो कोई स्टक नहीं है। जिसका नहीं हुआ अभी भी पूछ सकते हो हैंड रेस करके। चलो, तो ये कंसोल जो दिख रहा है आपको, कंसोल है ना, यहाँ पे कंसोल लिखा हुआ है। मेरा फॉन्ट साइज बड़ा कैसे किया मैंने वो दिखा देती हूँ। सबसे पहले यू हैव टू गो टू टूल्स, ग्लोबल ऑप्शंस, टूल्स, ग्लोबल ऑप्शंस, अपीयरेंस। आई हैव चेंज्ड द फॉन्ट टू 14। इफ यू वांट टू डू दैट यू कैन डू इट फॉर योरसेल्व्स। आई हैव डन इट बिकॉज आई एम प्रेजेंटिंग इट फॉर यू गाइज, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? क्लिक ऑन अप्लाई, क्लिक ऑन ओके। ओके,
ये लिखा हुआ आता होगा, देखो कोई पूछ रहा था ना अभी, ये लिखा हुआ आ रहा होगा, इस पे खाली ब्रूम स्टिक करना है। अब यहां पे भी आप सिंपल कोड्स लिख सकते हो एंड एंटर पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। 7 माइनस 8, खाली एंटर क्लिक करना है, आंसर आते जाएगा, ठीक है। वार्निंग को भूल जाओ। नाउ अगेन दिस इज नॉट गोइंग टू सेव। इफ यू वॉन्ट टू सेव योर वर्क, यू नीड टू ओपन समथिंग कॉल्ड एज आर स्क्रिप्ट, ठीक है। आर स्क्रिप्ट, दिस इज आर कंसोल। कैसे ओपन करेंगे? आइदर यू कैन क्लिक ऑन दिस प्लस बटन। माही, व्हेन आई एम स्पीकिंग यू हैव टू लिसन। व्हेन आई एम स्पीकिंग आप कर रहे हो, फिर वापस आप करोगे तो मत करो ये चीज। आर प्रोग्रामिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा वैसे पढ़ना। क्लिक ऑन टूल्स, क्लिक ऑन ग्लोबल ऑप्शन, क्लिक ऑन अपियरेंस टूल, ग्लोबल ऑप्शन, अपियरेंस, एंड देन यू कैन चेंज इट फ्रॉम हियर। क्लिक ऑन अप्लाई, क्लिक ऑन ओके। ठीक, अब देखो आर आर स्क्रिप्ट कैसे खुलेगा। देखो सब लोग, या तो आप इस पे क्लिक कर सकते हो प्लस एंड इट विल आस्क यू आर स्क्रिप्ट ओपन करने को, या फिर यू कैन स्ट्रेट अवे यूज द शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट एन। किया, ये खुल गया, ठीक है। फाइल से भी कर सकते थे। न्यू फाइल, आर फाइल, न्यू फाइल, आर स्क्रिप्ट, दो तीन तरीके है। मैं ये वाला प्लस यूज करती हूँ या कंट्रोल शिफ्ट एन। वंस यू हैव दिस, नाउ लेट्स सी हाउ इट विल वर्क। अगेन 5 प्लस 6, सिंपली एंटर करोगे तो नेक्स्ट लाइन में चले गए। इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट इट आइदर यू कैन क्लिक ऑन दिस रन। देखो रन हो गया, इधर रन होगा। जस्ट सिमिलर टू आर जी यू आई, योर कोड एंड आंसर इज बींग रन ऑन आर कंसोल, ठीक है। Now, instead of clicking on this run, what else you can do? For example, 7 plus 9. Control Enter. Control Enter. You have to click on Control Enter and your code will be executed. If you want to execute these two lines together, so what you need to do, select Control Enter ya fir run. Anything. Both of these are getting executed again. Is it clear? यहां तक। Now R programming में क्या होता है? You can use hashtag to write any kind of, give any kind of comments. You can use hashtag to give any kind of comments. What do you mean by hashtag and comment? These, after just giving hashtag, it changes into green. It's not blue in color. Meaning now this is not an executable code. Meaning this is not an executable code. So even though you run it, see, kuch ho nahi raha, wo aa nahi raha console mein. It's aayega, kabhi kabhi wo console pe aata hai. Actual mein aana chahiye agar main pura saath mein run karu. But this line will not be executed. Similarly, what if I do like this? 8 plus 9. Again, this will not be executed because I have given a hash in front of it. So just try running it, control enter. See, it will not be able to run. If you just select these two, see, it will not be able to run. It's just gives you as it is hashtag arithmetic operators, hashtag 8 plus 9. It's not getting executed. Okay? Got it? Hashtag ka use. All right. Now, let's say suppose arithmetic operators, what are the different types of arithmetic operators? Plus kar liya, minus hota hai similarly. Division ke liye you use 5 divided by 6. 5 divided by 0 will give you INF, infinity, straight away. Run hoga, it will not throw an error. Like in Excel, it throws an error. Here it will not throw an error, it will give you INF, infinity. Okay? Multiplication, we use this sign. All right. To the power, 10 to the power caret symbol. This is known as caret symbol. These are your arithmetic operators. Got it? Okay.
टू दी पार के जगह पे यू कैन ऑल्सो राइट डबल मल्टीप्लीकेशन. दिस इज ऑल्सो 10 to the power 2. दिस इज ऑल्सो रेड एज 10 to the power 2. अंडर रूट क्या होता है? स्क्वेयर रूट यूज करेंगे बाद में. सिमिलरली आर यू गाइज विथ मी? कहीं भी लगे आई एम गोइंग अ लिटिल फास्टर. स्लोअर का तो कोई इलाज नहीं है, ठीक है? उसका कोई सोल्यूशन नहीं है. अगर आपको लग रहा है कि मैं स्लो जा रही हूँ तो इट्स गुड, आप फास्ट हो मेरे से. बट अगर आपको लग रहा है कि मैं फास्ट जा रही हूँ तो वो बोल सकते हो, क्योंकि आई एम टेकिंग एवरी वन टुगेदर, सो दैट्स इम्पॉर्टेंट फॉर मी इन दैट वे. ठीक है ना? नेक्स्ट वील डू लॉजिकल ऑपरेटर्स. वॉट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स? ग्रेटर दैन, लेस दैन, लॉजिकल आंसर्स, जिसके आपको लॉजिकल आंसर्स मिले. इट कैन बी ट्रू फॉल्स. लॉजिकल ऑपरेटर मीनिंग द आंसर इज अ इन अ फॉर्म ऑफ अ लॉजिक लॉजिक आइदर ट्रू फॉल्स लाइक दिस. ठीक है, लॉजिकल. एंड वी ऑल्सो से इट एज रिलेशनल ऑपरेटर. सो लॉजिकल एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट 5 greater than 8, इज दिस ट्रू और फॉल्स? When you run this, you get a false. Just notice one thing, false सारे capitals में आ रहे हैं. FALSE is in capital. ठीक है? Similarly, you can use less than also. Similarly, you can use less than as well. For equal to, ध्यान देना, you cannot write equal to 8. If I am writing this, it will give me an error. What are you trying to do? You need to give double equals to symbol. You can give spaces in between. R is not space sensitive, meaning you can give spaces in between, doesn't matter. It is case sensitive, meaning you cannot use capital letter, small letter, anywhere you can get the answer. No. Excel is not case sensitive. If you're writing, for example, a function, some function, आप capitals में लिखो, small में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा Excel को. यहाँ पे when we will be doing functions, if it's in capital letter, you need to use capital. If it's in small letters, you need to use that. Otherwise, error आएगा. So this is R programming is case sensitive. Excel is not case sensitive. Here, this is not space sensitive. Spaces आप कहीं भी दे दो. Got it? Excel में नहीं दे सकते spaces कहीं भी. तो ये हो गया. तो equal to, now when I run this, you getting a false, because 5 is not equal to. This is equal to. What about not equal to? Not equal to का क्या symbol है? 5! equal to. This stands for not equal to. Will you get true or false? Not equal to लिख देती हूँ. Will you get, let's run, getting true. Less than, greater than, similarly you have greater than, equal to. What will you get, true or false? Greater than, equal to. You can also do less than, equal to. Equal to कर लिया, not equal to कर लिया. Got it? These are all your logical operators. एक और करते हैं, exclamation mark, true. Not true. False, obviously. Not true. नहीं, करके देखो होता है कि नहीं. आई एम नॉट श्योर. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट रिलेशनल ऑपरेटर्स. एंड और, एंड और आर डिफरेंट रिलेशनल. जैसे लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या हो गए? लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू. ठीक है, doesn't make any sense. Not greater than क्या होता है? आप less than लिख दो, है ना?
डजेंट मेक एनी सेंस, इज इट मेकिंग? देखो हम लोग ना आज से जो भी पढ़ेंगे आर प्रोग्रामिंग में, आपको हर चीज में डाउट आएगा, खुद से रन करके देखना तभी आप सीखोगे। तुमने अब रन करके, इसलिए मैंने ना रन करके देखो तभी तुम सीखोगे कि नहीं गलत है। मैं बोल दूंगी गलत है, 2 दिन बाद भूल जाओगे, बट जस्ट से, जस्ट लाइक, जस्ट वेट, जस्ट इमेजिन इट लाइक दिस। इफ आई एम सेइंग नॉट इक्वल टू, व्हाई डू आई नीड अनदर सिंबल फॉर दैट? नॉट इक्वल टू मीन्स ग्रेटर देन, सॉरी नॉट ग्रेटर देन। नॉट ग्रेटर देन का क्या मीनिंग है? मतलब व्हाट यू आर डूइंग इज ये कर रहे हो, क्यों यूज करना है ये सिंबल, इसका कोई सेंस नहीं है। नॉट ग्रेटर देन इज नथिंग बट लेस देन, कोई वो नहीं है, ठीक है? रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं आपके एंड ये और के लिए हम ये पाइप सिंबल यूज करते हैं। दिस पाइप सिंबल यू विल गेट एंटर की है ना, एंटर की के ऊपर में आपको ये पाइप सिंबल दिखेगा। दिस इज और ऑपरेटर, एंड और कब काम आएगा देखो। कब काम आएगा देखो, एक बार देखो। फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग, फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग 8 ग्रेटर देन 7 एंड 5 ग्रेटर देन 4। दिस इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू। दिस इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ट्रू एंड ट्रू गिव्स यू ट्रू। ट्रू एंड ट्रू गिव्स यू ट्रू। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम राइटिंग, चेंज करके इसको लेस देन, दिस इज वॉट ट्रू या फॉल्स? ट्रू। दिस इज वॉट ट्रू एंड फॉल्स विल गिव यू फॉल्स। सो इन द इंटायर थिंग, इफ दीज आर वॉट, दीज आर डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेशंस, दीज आर डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेशंस, मीनिंग आंसर ट्रू या फॉल्स आएगा। उसको कनेक्ट कर, यू आर कनेक्टिंग डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेशंस यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर एंड। व्हेन डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेशंस ऑल ऑफ इट आर ट्रू एंड यू आर ज्वाइनिंग इट यूजिंग एंड, देन आंसर विल बी ट्रू। एनी वन इज फॉल्स, यू विल गेट अ आंसर एज, प्लीज रन दिस एंड सी, फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक और डाल दू, एंड 5 ग्रेटर देन 3 2, ये ट्रू है, दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स एंड ट्रू विल डेफिनेटली गिव्स यू फॉल्स। एनी वन इज फॉल्स एंड में वो फॉल्स दे देगा आंसर। सो व्हाट डू यू सी, एंड के केस में ऑल ऑपरेशंस नीड्स टू बी ट्रू, ऑल ऑपरेशन नीड्स टू बी ट्रू। सी दिस इज योर आर स्क्रिप्ट, दिस इज योर कंसोल, दिस इज योर ग्लोबल एनवायरमेंट विंडो, इसको बोलते हैं ग्लोबल एनवायरमेंट, इसको आगे पढ़ेंगे। एंड हियर यू गेट ऑल द प्लॉट्स डायग्राम्स विच यू मेक, ठीक है? गॉट इट मैम नाउ? हाँ बोलो। नाउ लेट्स डू द सेम थिंग फॉर और। हाँ बोलो। मैम जो फर्स्ट वाला 8 is bigger than 7 एंड 5 is bigger than 4, मैम उस पे अनएक्सपेक्टेड एंड 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 लिखा आ रहा है, मैम एरर इज कमिंग. तुमने कोड सही नहीं लिखा है, पेस्ट करो, पेस्ट करो चैट बॉक्स में। ओके मैम. ये है, दिस इज व्हाट ट्रू, दिस इज व्हाट फॉल्स। नहीं ग्रेटर देन करने दो मुझे। हाँ दिस इज ट्रू और नॉट, दिस इज फॉल्स। अरे यार पहले सही किया था फिर मैंने। ये आपका ट्रू है, ये आपका फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स विल गिव यू ट्रू। सो बेसिकली और के केस में क्या होता है, और के केस में क्या होता है, एनी वन
ऑपरेशन, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, नीड्स टू बी ट्रू. इफ एनी वन इज ट्रू, आंसर इज ट्रू. मान लो 10 ऑपरेशंस यू आर डूइंग, एनी वन ऑपरेशन, मान लो 10 ऑपरेशंस यू आर डूइंग, एनी वन इज ट्रू, ऑल ऑफ ऑल स्टिल आंसर विल बी ट्रू इन केस ऑफ और. अगर तुमने ये कोड नहीं रन किया है, अगर तुम ये कोड रन कर रहे हो तो गलत नहीं आएगा आंसर. तुम यहाँ पे हैशटैग नहीं दे रहे हो, यहाँ पे ये लिख के तुमने कुछ छोड़ा है, कुछ गड़बड़ किया है. तुमने पूरा कोड मुझे लिख के भेजा नहीं है. कंसोल में जो एरर आ रहा है ना, वो पूरा कॉपी करके भेजो. गॉट इट? और ऑपरेशंस क्लियर है? मैं पूरा नहीं दिखा रही. आप लोग दो फॉल्स ले लो, फॉल्स और फॉल्स इज डेफिनेटली फॉल्स. सो एनी वन हैज टू बी ट्रू टू गेट एन आंसर ऑफ ट्रू. देख लो, गॉट इट? ठीक है, तुमने ये लाइन रन ही नहीं करा है अंगद, आंसर कभी नहीं है. मतलब ये तुमने किया है, तुम्हें आप इसके बाद कुछ लिखा है क्या तुमने? वही मैं बार बार पूछ रही हूँ. एरर ऐसे नहीं भेजो ना, पूरा ऐसे कॉपी करके भेजो एरर. खाली वो एक लाइन नहीं कॉपी करके भेजना है, मैं कैसे बताऊंगी फिर? जब भी कुछ एरर आएगा आपको पूरा ये कॉपी करना है, पूरा ऊपर से यहां तक. चलो नेक्स्ट. These were your logical operators. Now let's do next thing, which is your. अब हम लोग variables define करेंगे, ठीक है ना? For example, what have you seen? So basically assignment operator हम लोग पढ़ेंगे. So first let us understand all the types of variables which are there. Assignment ऑपरेटर इज बेसिकली, दिस इज योर असाइनमेंट ऑपरेटर. यस अंगद, व्हाट आर यू डूइंग? यू आर रनिंग. व्हाई आर यू रनिंग दिस? मतलब तुम अगर ये रन करोगे तो वो एरर ही देगा ना, इसका क्या मीनिंग है? आप इसको रन क्यों कर रहे हो? इसको आप रन क्यों कर रहे हो? एरर ही तो देगा, क्या सेंस बन रहा है इसको रन करने का? अच्छा, तुम इसको भी नहीं, तुम ये इसको रन कर रहे हो. इसको रन क्यों कर रहे हो? इसके पहले हैशटैग लगाओ. इसको रन नहीं करना है, इसके पहले हैशटैग लगाओ. कोई सेंस बन रहा है इसको रन करने का? हैशटैग लगाया था मैंने भी, देखो मैंने हैशटैग के अंदर लिखा है ये, कोई डाउट ही नहीं था ये. तुम उसको बिना मतलब रन कर रहे हो. इज इट क्लियर? असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? सो बेसिकली ये जो सिंबल आप देख रहे हो लेस देन माइनस का, दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर. वेरिएबल्स में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स पढ़ेंगे. लेट्स सपोज हम लोग एक्स में असाइन कर रहे हैं. आप लोगों ने पढ़ा है ना बेसिक मैथ अल्जेब्रा में, हम लोग असाइन करते हैं. लेट्स से सपोज लेट्स टेक एक्स इक्वल्स टू 5. गॉट इट? तो एक्स में वी आर असाइनिंग 5. नाउ यू विल से मैम कैन वी राइट इट ऑपोजिट? कैन वी राइट लाइक दिस 5? Can we write like this? Doesn't make any sense. Why do you want to write like this? You can, you'll still get the answer, but why do you want to do weird things, right? So x mein aap assign kar rahe ho 5. So when I run this, see two things will happen. It will get executed over here. There is nothing sort of output. What output will you derive? No. What are you getting here? In the global environment window, x is the variable which is containing the value 5. Got it? Got it? ठीक है. So here x is a variable which contains a value 5. This variable is a numeric variable. What do you understand by numeric variable? Type of लिखो. To check any like to check the type.
to check the type of a variable, you write type of bracket mein you write x and you run this. You are getting double. Integer nahi aa raha, number nahi aa raha, kya aa raha hai? Double. Double meaning double precision. Kya hota hai na? Class likho ek bar. Class of x. Number, numeric aayega. So numeric is a broader category. Numeric ke andar we either get a double or an integer. Double stands for double precision, meaning aap usme decimals dal sakte ho. Five. Matlab x can be a decimal number as well. Integer cannot have decimals. ठीक है, तो आप इंटीजर का भी स्टोर करते हो. इंटीजर स्टोर करने का क्या तरीका होता है, आई विल शो यू. y 5l, l स्टैंड्स फॉर इंटीजर ओवर हियर. इफ आई रन दिस 5l आ रहे. नाउ यू, सो द फंक्शन इज टाइप ऑफ. टाइप ऑफ इज अ फंक्शन. व्हेन आई एम राइटिंग टाइप ऑफ, देखो एक बार देख लो, ये शॉर्टकट होता है. व्हेन आई एम टाइपिंग टाइप, तो तीन आ गए ऐसे फंक्शंस. क्लिक ऑन डाउन आरो, इसमें जाओ टाइप ऑफ. क्लिक ऑन टैब, टैब में क्लिक करते ही क्या होगा, मैं टाइम दूंगी करने का. प्लीज सुनो, सुनने का टाइम नहीं मिलेगा, करने का टाइम सबको दूंगी. आप लोग देख लो पहले. नीचे गए, क्लिक ऑन टैब. द मोमेंट यू क्लिक ऑन टैब, वो पूरा आ जाएगा. टाइप ऑफ, इसमें मैंने लिख दिया वाई एंड रन, यू गेटिंग इंटीजर. क्लास विल स्टिल रिमेन, क्लास विल स्टिल रिमेन व्हाट, न्यूमेरिक. क्लास विल स्टिल रिमेन न्यूमेरिक इफ यू चेक ऑफ वाई, बट it has two parts, integer and double. Kuch nahi bolte, by default it gets stored as a double. Theek hai, रैशनल नंबर. हाँ ठीक है, कुछ भी हो सकता है. यहाँ तक अगर कुछ क्लियर नहीं है तो प्लीज बोल. क्लास इज इंटीजर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, ठीक है. तुमने क्योंकि x रन ही नहीं किया है, पहले ये रन करोगे तभी तो ये. और यहाँ अगर कैपिटल x लिखा है और यहाँ स्मॉल x लिख रहे हो तो भी नहीं आएगा. इट विल से दैट ऑब्जेक्ट x नॉट फाउंड. इफ यू आर राइटिंग कैपिटल x यहाँ और यहाँ स्मॉल, तो वही बोलेगा ना, x नॉट फाउंड. ये रन नहीं किया तुमने. यश, नेक्स्ट इंटीजर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट, सो ये हो गया इंटीजर, न्यूमेरिक, डबल. ठीक है, नेक्स्ट इज फॉर एग्जांपल आई नीड टू कन्वर्ट दिस. एक्स में फाइव डाला था, नंबर है. आई वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू एन इंटीजर, सो आई विल यूज अ फंक्शन कॉल्ड एज डॉट इंटीजर. लेट्स सपोज जेड में डाल रहे हैं, एज डॉट इंटीजर एक्स, रन इट. क्या आया देखो, z आ गया एज अ वेरिएबल. उसके बगल में क्या आ रहा है, 5l, मीनिंग नाउ z इज व्हाट, एन इंटीजर. x इज व्हाट, x इज नॉट चेंजिंग, x इज नॉट चेंजिंग. आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ न्यू वेरिएबल z वेर आई वॉन्ट इट टू बी एन इंटीजर. X is not changing when you are writing as dot integer x. For example, देख लो, as dot numeric y, y क्या आ रहा था, class integer आ रहा था. इसको run करते हैं. Is y changing? यहाँ कुछ नहीं change हो रहा. क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका 5 आ रहा है, 5 l नहीं आ रहा, 5 आ रहा है. अभी number है. Now this is a double. What if you have to change y? How will you change y? I want to change this y from 5l to 5. कैसे होगा?
आंसर स्क्रीन पे। हाँ वैसे नहीं, वो तो तुम 5 लिखोगे, क्या करेंगे बताओ। इसको हम लोग 5 Y में असाइन कर देंगे, Y में ही दोबारा एस डॉट न्यूमेरिक Y। सो इससे क्या समझ में आया, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू दीज टू लाइंस ऑफ कोड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू लाइन ऑफ कोड। हियर हियर यू आर जस्ट गेटिंग एन आउटपुट ओवर हियर 5L के बदले 5, नथिंग इज हैपनिंग टू वाई, यू आर यूजिंग वाई इन अनदर फंक्शन, यू आर नॉट ट्रांसफॉर्मिंग वाई। ठीक, हियर वी आर अगेन यूजिंग अ फंक्शन वाई का, बट वी आर ऑल्सो असाइनिंग दैट टू वाई अगेन। सो इफ आई रन दिस, सी वॉट विल हैपन, फर्स्ट वाई इज इक्वल टू 5, चेंज, 5L था पहले अब 5 है, ये होता है। खाली एज डॉट नंबर, एज डॉट इंटीजर लिख दोगे तो वो नहीं चेंज होगा, एज डॉट डबल भी कर सकते हो अगर जेड को चेंज करना है एज डॉट न्यूमेरिक। क्या एक बार देखो, एज डॉट डबल जेड 5 आ रहे हैं 5L के जगह, कोई डाउट है तो पूछो। यश इज इट क्लियर, शॉर्ट में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। एज डॉट न्यूमेरिक मतलब हमने नंबर में चेंज किया है, जो भी आप इसके अंदर डाल रहे हो उसको आपने नंबर में चेंज किया है एंड आप उसको वाई में स्टोर कर रहे हो। शॉर्ट में क्या समझाऊं, जब मैं बोलूंगी आपको सुनना है, ऑल ऑफ यू मेक इट अ पॉइंट, अदरवाइज आर प्रोग्रामिंग कभी नहीं सीख पाओगे। इट्स वेरी इजी बट आई सी स्टूडेंट स्ट्रगलिंग अलॉट विद दिस इजी टॉपिक। वाई? बिकॉज आप लोग सुनते नहीं हो, आप लोग अपना ही धुन में कुछ कुछ करते रहते हो। ठीक है, अब इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर्स ट्राई करते हैं, ऑल्दो उतना आता नहीं है सिलेबस में, बट कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में दिखता है, ए प्लस बी आई, आई इज वॉट, स्क्वायर रूट ऑफ -1। आ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर याद, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई स्टोर सी में डालते हैं, सी यूजली नहीं हम लोग लेते हैं। अब ये जो एक्स वाई जेड है ना, दीज आर व्हाट, दीज आर वेरिएबल्स, दीज वेरिएबल्स कैन हैव एनी नेम, इट कैन हैव एनी नेम। सो लेट्स सपोज इफ आई राइट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इफ आई राइट कॉम्प्लेक्स इट कैन हैव एनी नेम एंड आई एम राइटिंग 5 + 6i। ठीक है, सो नाउ दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच आई एम स्टोरिंग इन व्हाट, द वर्ड कॉम्प्लेक्स,
अ वेरिएबल इंस्टेड ऑफ यूजिंग एक्स वाई जेड, आप कुछ भी ले सकते हो। इसको रन करते हैं, कंट्रोल एंटर। देखो कॉम्प्लेक्स में ये स्टोर हो गया। अब इसका टाइप ऑफ चेक करो, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स गिव्स यू अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये मैं डिफिकल्ट, थोड़ा वियर्ड लग रहा है कि मैंने क्यों कॉम्प्लेक्स डाला। अगर मैं कुछ और डालती, लेट्स सपोज एक्स वाई जेड, मैंने वी में डालो, देखो वी आ गया, वी में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। टाइप ऑफ वी, कॉम्प्लेक्स आ गया है ना। तो क्या हुआ, तुमने एक नया नया डिफाइन कर दिया वी, तुमने इसको हटाया कहाँ था, तुमने एक नया डिफाइन कर दिया दोबारा, तो वो हटेगा थोड़ी, हटा सकते, वो सिखाऊंगी मैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मेरे को आई वॉन्ट टू रिमूव दिस वेरिएबल कॉम्प्लेक्स, हाउ डू वी रिमूव इट, लिखो आर एम रिमूव ब्रैकेट में कॉम्प्लेक्स एंड रन इट, वो कॉम्प्लेक्स हट गया आपका। इफ यू वॉन्ट टू रिमूव मल्टीपल वेरिएबल्स टूगेदर, एक्स कॉमा वाई, वाई कॉमा दे दे के करो, देखना वॉट विल हैपन, एक्स एंड वाई दोनों रिमूव हो गया। इफ यू वॉन्ट टू रिमूव ऑल ऑफ इट टूगेदर, क्लिक ऑन दिस ब्रूम स्टिक। झाड़ू दिख रहा है इधर, एक झाड़ू यहाँ होता है, एक झाड़ू यहाँ होता है, तो इस झाड़ू से कंसोल क्लियर होगा, इस झाड़ू से आपका ग्लोबल एनवायरनमेंट क्लियर होगा, यहाँ अगर कोई प्लॉट होता है तो वो इस झाड़ू से क्लियर हो जाता है। सारे ब्रूम स्टिक दे रखे इन्होंने। इसका शॉर्टकट भी मैं बता सकती हूँ, कंट्रोल एल, यहाँ पे कंसोल क्लियर करना है, कंट्रोल एल, कंसोल में कर्सर लेके जाओ, कंट्रोल एल, कंसोल क्लियर हो गया। कंसोल क्लियर होने का ये मतलब नहीं कि आज स्क्रिप्ट डिलीट हो गया, यू हैव योर कोड्स इंटैक्ट, यू कैन एनी टाइम रन इट, यू कैन रन इट, सी आई कैन रन दिस, आई कैन रन दिस, है ना मैम। डू वी हैव टू, है कौन सा बोथ पेपर वी क्लास रोहित, पेपर ए से थोड़ी पास हो जाओगे एग्जाम खाली। इवनिंग वाला कौन सा पेपर बी का क्लास है आपका आज? हाँ और एक कौन सा, आई डोंट नो कौन सा इवनिंग क्लास है आपका आज। गॉट इट? ठीक है, ये हो गया कॉम्प्लेक्स। सिमिलरली लॉजिकल भी आप स्टोर कर सकते हो, जैसे कोई सेंस उतना बनता नहीं है, ट्रू फॉल्स को आप किसी में स्टोर कर सकते हो। ठीक है, लेट्स सपोज एक और चीज करते हैं, ये जो हम लोग वी जेड इसमें स्टोर कर रहे हैं, यू कैन नॉट स्टोर, यू कैन नॉट हैव अ वेरिएबल हुज नेम इज अ नंबर, फॉर एग्जाम्पल 12, आई एम स्टोरिंग 12 में कुछ भी, लेट्स सपोज एन ए 54, इट विल नॉट मेक एनी सेंस। यू कैन नॉट स्टोर एनी थिंग इन अ नंबर, और यू कैन नॉट डू दिस ऑल्सो, नंबर ए बी सी, मतलब आप वॉट आर यू डूइंग, नंबर ए बी सी इज अ वेरिएबल नेम है ना, उसमें आप क्या स्टोर कर रहे हो, 54, अगेन डजेंट मेक एनी सेंस, बट ए बी सी 12 में आप 54 स्टोर कर सकते हो। सो इट शुड ऑलवेज स्टार्ट विथ अ कैरेक्टर, अ वेरिएबल शुड ऑलवेज स्टार्ट विथ अ कैरेक्टर। सो इफ आई एम रनिंग दिस, यू कैन रन दिस, इफ यू वॉन्ट टू गिव अ, इफ यू वॉन्ट टू गिव अ कोलन इन बिटवीन एंड देन अंडरस्कोर इन बिटवीन, यू कैन डू दैट, बट यू कैन नॉट स्टार्ट अ वेरिएबल नेम विथ अ नंबर, दैट्स अ नेमिंग कन्वेंशन। There are a few reserved strings. एक चीज रुकना, देखना देख लो एक बार, अच्छा यहां तक कर लो, हो जाए तो बोलना।
Now, for example, if I'm storing x में true capitals में true लिखा मैंने, ठीक है, देख लो, and type of you can check, type of x will give you logical. These are all logical values. True, false, na. Na is also logical. देखो, y में I'm storing na and checking the type of y. Logical. So generally these are also known as reserved strings. What are reserved strings? True, false, na. These are reserved strings. Reserved strings का meaning होता है कि आप इसमें कुछ store नहीं कर सकते. Let's say suppose if I am storing true में, if I am storing 6. अब आप बोलोगे true भी तो एक word है, उसमें store कर ही सकते हैं. जैसे आपने ABC में store करा, complex में store किया था, X में store करा. So similarly true is a word, we can store something in that as well. You can say, ठीक है, let me run this. Get an error because you cannot invalid left hand side. इसको read कैसे करते हैं? Invalid left hand side to assignment. Basically left hand side is invalid. You cannot store anything in these three strings. Doesn't make any sense क्योंकि ये reserved है. नेक्स्ट इज कैरेक्टर टाइप. अच्छा ये कर लो पहले. मैम मैम डिफरेंस बिटवीन डबल एंड न्यूमेरिक? कोई डिफरेंस नहीं है. न्यूमेरिक का पार्ट है डबल. डबल मतलब डबल प्रिसिशन. इतने डिटेल में आपको जाने का जरूरत नहीं है. आप डेसिमल्स भी स्टोर कर सकते हो बेसिकली, इंटीजर में नहीं कर सकते. न्यूमेरिक इज अ ब्रॉडर कैटेगरी, उसके अंदर डबल आता है. ठीक है, ठीक है. सी है, ठीक है. नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट कैरेक्टर टाइप वेरिएबल करो. सो वी हैव डन न्यूमेरिक, इंटीजर, कॉम्प्लेक्स नंबर, लॉजिकल वी हैव डन, ट्रू फॉल्स सारे आपके टाइप ऑफ लॉजिकल आ रहे थे, है ना. टाइप ऑफ वाई वाज लॉजिकल. नाउ कैरेक्टर टाइप, कैरेक्टर स्ट्रिंग्स व्हिच आर वेरी कॉमन. फॉर एग्जाम्पल नेम में आई एम स्टोरिंग शिवांगी. नाउ यू कैन नॉट रन दिस. इसको रन करोगे तो कुछ नहीं होगा. देखो शिवांगी नॉट फाउंड. अब क्योंकि ये शिवांगी को एज एन ऑब्जेक्ट ढूंढेगा. मैंने खाली ऐसे लिख दिया है. इन ऑर्डर टू सेव एनीथिंग एज अ कैरेक्टर वेरिएबल यू नीड टू पुट इट विद इन द कोट्स. सो यू नीड टू पुट दिस विद इन कोट्स. Color is also changing to green. Now this will be taking, this is the character value which you are putting in name. Run this and see name mein kya aagaya yahan pe. Name is the variable and value is the word Shivangi. Quotes mein aane ka matlab iska type of check karo. Type of name will be character type variable. Class bhi check kar sakte ho. Variable aayega, character aayega. क्लास भी चेक कर सकते हो, कैरेक्टर आएगा. सिमिलरली आई कैन स्टोर माय एज. नाउ दिस इज अ नंबर बट आई वांट टू स्टोर इट एज अ, ये तो आप स्टोर करोगे तो नंबर डबल आएगा ना. एज में डबल 27 ऐसे स्टोर करें. व्हाट इफ आई स्टोर इट लाइक दिस इन कोट्स. देखो यहाँ पे भी कोट्स में आ रहे. लेट्स चेक द टाइप ऑफ एज कैरेक्टर आ रहे. एनीथिंग यू आर स्टोरिंग इन कोट्स. फॉर एग्जाम्पल देखो जेंडर में मैंने स्टोर कर लिया. ये जेंडर नहीं लिख के,
फीमेल में मैंने स्टोर कर लिया, देख लो फिर टाइम दूंगी लिखने का। फीमेल में मैंने लेट्स सपोज स्टोर किया है, ऐसे ट्रू करेंगे, नाउ दिस इज अ लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल वैल्यू है ना। बट इफ आई कीप अगेन पुट इट इन कोट्स एंड रन दिस एंड देन चेक टाइप ऑफ, क्या आना चाहिए? वेरी गुड कैरेक्टर। सो यू कैन सेव नंबर, लॉजिकल न्यूमेरिक डेटा, लॉजिकल डेटा, कैरेक्टर डेटा, वॉट एवर, यू कैन स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर इफ यू पुट कोट्स। कैन यू डू वाइस वर्सा? नो। कैन यू स्टोर अ कैरेक्टर इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑलवेज? नो, नॉट पॉसिबल ऑलवेज। सो वॉट आई एम सेइंग इज, वॉट आई एम सेइंग इज वेरी बेसिक, यू कैन स्टोर नम न्यूमेरिक, लॉजिकल और एनी थिंग इन फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, बट यू कैन नॉट डू वाइस वर्सा ऑलवेज। मैं बताऊंगी कैसे इसको कर लो पहले। सो बेसिकली ऑल न्यूमेरिक, लॉजिकल, कॉम्प्लेक्स कैन बी स्टोर्ड एज कैरेक्टर, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। ठीक है, मैंने क्या लिखवाया? यू कैन स्टोर दीज इन फॉर्म ऑफ कैरेक्टर बट वाइस वर्सा नॉट ट्रू। फॉर एग्जाम्पल देखना, एज में क्या है? 27 है, कैरेक्टर के जैसा लिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आई ट्राइट एज डॉट न्यूमेरिक एज, सी इट गिव्स मी 27 विदाउट कोट्स, इट गिव्स मी 27 विदाउट कोट्स। लेट्स स्टोर इट इन एज, अगेन सेम एज में नहीं करेंगे, एज 1 में स्टोर करते हैं। देखो एज इज 27 कोट्स, एज 1 इज 27 विदाउट कोट्स बिकॉज आई हैव कन्वर्टेड इन टू नंबर। सेम इफ आई डू फॉर एज डॉट न्यूमेरिक नेम, विल यू थिंक दिस नेम शिवांगी कैन एवर बी कन्वर्टेड इन टू अ नंबर? लेट्स रन दिस। एन ए आर है। आप शिवांगी जो वर्ड है उसको नंबर में नहीं चेंज कर सकते। सो वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। नंबर, लॉजिकल, कॉम्प्लेक्स, एनीथिंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैरेक्टर बाय पुटिंग कोट्स, जस्ट बाय पुटिंग कोट्स, बट जस्ट बाय रिमूविंग कोट्स यू कैन नॉट गेट नंबर और वट एवर। सो कैरेक्टर कैन नॉट बी कन्वर्टेड ऑलवेज, इट कैन इन सम केसेस। गॉट इट? फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम डूइंग एज डॉट लॉजिकल, देखना फीमेल में क्या था? ट्रू था। एज डॉट लॉजिकल फीमेल, तो देखो ट्रू आ गया, इधर कोट्स हट गया अपने आप। ये जो इतने सारे फॉर्मूलाज है ना, ये फॉर्मूलाज है ही नहीं, बार बार एज डॉट लिख रहे हैं, इज डॉट लिख रहे हैं। सर एक बेसिक जिस्ट बता रही हूँ आपको, ठीक है? सिमिलरली लेट्स सपोज इज डॉट, पता करने की क्या एज कैरेक्टर है, नंबर है, यू डोंट नो वॉट इट इज। सो इज डॉट न्यूमेरिक एज, इससे आंसर आएगा ट्रू या फॉल्स, वेदर एज इज न्यूमेरिक और नॉट। सो योर एज इज न्यूमेरिक, इज दिस एज न्यूमेरिक? आंसर इज फॉल्स बिकॉज इट्स अ कैरेक्टर। बट सेम थिंग इफ आई डू फॉर एज 1, इज डॉट न्यूमेरिक एज 1 एंड रन दिस, ट्रू आ रहे हैं बिकॉज एज 1 तो नंबर है। यू हैव इज डॉट कैरेक्टर, इज डॉट लॉजिकल, इज डॉट करके उसके साथ में आगे सारे आप चेक कर सकते हो। इज ट्रू भी चेक होता है, इज ट्रू। इज ट्रू लेट्स सपोज इसके अंदर डालते हैं एक्स, एक्स में देखो मेरा ट्रू है, सो स्टोर डालो, ट्रू आ रहा है। इज फॉल्स,
एक्स डालेंगे, फॉल्स आ रहे क्योंकि एक्स में तो ट्रू डाल रखा है. इज ट्रू, सिक्स ग्रेटर देन फोर, सिक्स ग्रेटर देन फोर इज ट्रू, वेदर दिस इज ट्रू और नॉट. येस इट्स ट्रू, सॉरी, येस इट्स ट्रू, इज ट्रू, इज फॉल्स, इज न्यूमेरिक, इज जो भी आपका सारा आप लिख सकते हो. यहां तक कोई डाउट है तो देखो. हाँ हाँ तब तो ऑब्वियसली इज ट्रू, तुम एज लिखोगे तो उसमें कोई मीनिंग बनेगा ही नहीं, मतलब वो फॉल्स दे देगा. क्योंकि वो क्यों फॉल्स दे रहा है, बिकॉज एज इज 27, विच इज नॉट ट्रू. 27 इज नॉट ट्रू ना. वैसा एक चीज और सिखाती हूँ, आप लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स को भी कन्वर्ट कर सकते हो. एज डॉट न्यूमेरिक लिखा, अंदर में ट्रू लिखा, दिस ट्रू इज व्हाट, लॉजिकल. लॉजिकल है नहीं, लॉजिकल वैल्यू है, कोट्स में नहीं डाला मैंने, कैपिटल में ट्रू लिखा, लॉजिकल है. एज डॉट न्यूमेरिक तो इसको क्या नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, वन. ट्रू को बाय डिफॉल्ट वन मानते हैं, फॉल्स को बाय डिफॉल्ट जीरो मानते हैं. जीरो, ट्रू को बाय डिफॉल्ट वन मानते हैं, फॉल्स को. सो लॉजिकल को भी आप नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो, नंबर को लॉजिकल में नहीं कन्वर्ट कर सकते. ठीक है, नाउ लेट्स डू फ्यू बेसिक फंक्शंस एंड वी एंड द क्लास. देन बेसिक फंक्शंस, फॉर एग्जाम्पल आपको सम निकालना है दो तीन नंबर्स का. तो लेट्स सपोज, पहले तो ले लेते हैं एक्स में 7, वाई में 67, जेड में 5. गॉट इट? अब लेट्स सपोज हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, सम ऑफ एक्स वाई कॉमा दे दे के. यू कैन ऑल्सो गो टू दिस हेल्प टैब एंड सर्च सम फंक्शन. देखो ये सम फंक्शन आ जाएगा. यू हैव दीज डॉट्स, मीनिंग यू कैन पुट इन कॉमा दे दे के ऑल द नंबर्स दैट यू वॉन्ट टू एड. ठीक है, एक्स वाई जेड एड करो. एक सेकेंड, जेड रन नहीं करा था क्या मैंने? वाई नहीं रन किया. ठीक है, आ गया. ठीक है, मैक्सिमम कर सकते हो, मैक्स फंक्शन. जो भी नहीं आए इधर पे बस जाओ, इधर हेल्प टैब में सर्च फॉर इट. यू कैन स्ट्रेट अवे पुट इन द नंबर्स एज वेल, इंस्टेड ऑफ गिविंग वेरिएबल्स. इट कैन ऑल्सो टेक मिनिमम, पुट इन नंबर्स, पुट इन वेरिएबल्स, एनीथिंग. लॉग भी निकाल सकते हो, लॉग ऑफ 5. दिस लॉग इज बेसिकली बेस ई, नेचुरल लॉगरिदम है ये. ln यूज करते हो ना नेचुरल लॉगरिदम के लिए, वो है ये. यू कैन चेंज द बेस ऑल्सो. यहाँ जाओ, लॉग सर्च करो. बाय डिफॉल्ट इफ नथिंग इज गिवन, लॉग प्लीज देखना एक बार. एक्स मतलब किसका, आपको कौन से वैल्यू का आपको निकालना है. एक्स इज द वैल्यू जिसका लॉग निकालना है. बेस इज ई एक्स पी वन, मतलब ई एक्स पी वन मतलब एक्सपोनेंशियल. फॉर एग्जाम्पल ई टू द पावर 5 निकालना होगा, एक्सपोनेंशियल 5. ई टू द पावर 5 अगर निकालना है, एक्सपोनेंशियल 5. एक्सपोनेंशियल 1 का मीनिंग होता है
ई, सिंपल ई. तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या है, बेस इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल दे रखा है, ये गिवन है. अगर आपको इसको चेंज करना है आप कर सकते हो, लॉग ऑफ 5, बेस इक्वल्स आपको देना पड़ेगा, आपको क्या चाहिए, लेट्स सपोज 10 दे देते हैं, तो लॉग 5 बेस 10 हो गया. ठीक है, बेस बाय डिफॉल्ट एक्सपोनेंशियल बने, आप कुछ भी दे सकते हो, आप चेंज कर सकते हो, या इसके बदले यू कैन यूज दिस. देखो log 10 वाला फंक्शन दिख रहा है, log 10 इज बेस 10. आंसर देखना सेम आएगा इन दोनों का. ठीक है, करो. सो बेसिकली ये बहुत ही कॉमन फंक्शंस है. आप अगर ये बेस इक्वल्स 10 नहीं भी लिखो और डायरेक्टली ऐसे लिखो, देखो log 5, 10, अपने आप ये जो comma 10 है दिस इज असाइंड टू दिस. सो इन अ फंक्शन, लॉग इज अ फंक्शन, उसके अंदर वी आर पुटिंग डिफरेंट पैरामीटर्स, दीज आर पैरामीटर्स और इनपुट्स, फंक्शन के अंदर इनपुट्स डालते हैं. पहला इनपुट इज जिसका नंबर का लॉग निकालना है, विच इज 5. दूसरा इज बेस क्या चाहिए, बाय डिफॉल्ट एक्सपोनेंशियल है, कुछ नहीं डालोगे तो वो बाय डिफॉल्ट आपको बेस ई देगा. अगर चेंज करना है बेस इक्वल्स टू 10 कर सकते हो, कॉमा स्ट्रेट अवे 10 लिखोगे तो भी वो वही आंसर देगा. रन करो उसको. ठीक है, गॉट इट. सिमिलरली यू हैव फंक्शन एज मीन, मीन ऑफ फ्यू नंबर्स निकालने हैं आपको एक्स वाई जेड के. आप कॉमा दे दे के भी लिख सकते हो नंबर्स, आप स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकाल सकते हो, वेरियंस भी निकाल सकते हो. अच्छा, एक्चुअली स्टैंडर्ड डिविएशन में हम लोग को वो पुट इन करना है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे क्योंकि आप लोग को वो सिखाना पड़ेगा कॉम्बिनेशन वाला चीज. तो स्टैंडर्ड डिविएशन वेरियंस नेक्स्ट क्लास. स्क्वायर रूट कोई पूछ रहा था ना, रूट के लिए स्क्वायर रूट ऑफ लेट्स सपोज 24. ठीक है, स्क्वायर रूट के लिए फंक्शन. फैक्टोरियल पढ़ा है ना, 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इज 1 into 2, 3 फैक्टोरियल इज 1 into 2 into 3. सो फैक्टोरियल ऑफ 3 क्या आना चाहिए, 1 into 2 into 3, 6 आना चाहिए, एनी नंबर. कॉम्बिनेशन पढ़ा है 10C2560 whatever, तो उसको चूज में डालेंगे, चूज 10, 5, मतलब 10C5. क्लोज द डो, क्लोज द डो. 10C5 है ना, 252 होता है. चूज फंक्शन, राउंड फंक्शन टू राउंड ऑफ नंबर्स. देखो राउंड लिखा एक्स डिजिट्स, एक्स और डिजिट्स, देखो यहाँ पे सर्च करो राउंड. सो लेट्स सपोज 10.7654, ये मुझे राउंड करना है. बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं दोगे तो डिजिट 0 हो जाएगा. डिजिट का मतलब हाउ मेनी नंबर्स आफ्टर द डेसिमल प्लेस. इसको रन करो, बाय डिफॉल्ट 11 आ गया. क्यों, क्योंकि डिजिट 0 है, मतलब डेसिमल के बाद 0 डिजिट्स चाहिए मुझे. इफ आई राइट, हाँ बोलो. चूज फंक्शन क्या था? कॉम्बिनेशन 10C5. फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप दे दोगे डिजिट, आप दे दोगे डिजिट्स 2, तो क्या आना चाहिए, 10.77. यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस राउंड, कॉमा 2 भी लिख सकते हो, अपने आप वो डिजिट ले लेगा, 2 को अपने आप वो इसमें ले लेगा. सिमिलरली देर इज अ फंक्शन कॉल्ड फ्लोर फंक्शन, तो फ्लोर फंक्शन में कुछ भी डालोगे तो वो लोएस्ट इंटीजर ले लेगा, और सीलिंग में कुछ भी डालोगे वो अपर, इवन दो आई एम पुटिंग 10.45, अपर इंटीजर ले लेगा. फ्लोर इज लोअर इंटीजर, सीलिंग इज अपर इंटीजर. गॉट इट, दैट्स बेसिक क्लास फॉर यू. टुमोरो वील कंटिन्यू फ्रॉम योर.
कॉपी कर लो इसको। अच्छा नहीं रुको, सेव करना सिखा देती हूँ। सेव करना है इसको, लेट्स सपोज आप तो बोलोगे मैम कोड कल तक भी चाहिए मुझे। क्रॉस पे क्लिक करो, सेव पे क्लिक करो, कहीं पे भी लेट्स सपोज डेस्कटॉप में करी हूँ। प्लीज गिव अ नाइस नेम, क्लास वन डॉट कैपिटल आर लिख दो। डॉट कैपिटल आर लिखने से वो आर स्क्रिप्ट के जैसे सेव हो जाएगा। इसको सेव कर दिया। अब देखो यहाँ जाओ मेरे डेस्कटॉप में, डेस्कटॉप में देखो क्लास वन आ रहा है और ये आर के जैसे आ रहे हैं। अब क्या होगा पता है, इसको खोलेंगे ना अपने आप आर स्टूडियो में खुल जाएगा जाके। ठीक है, क्रॉस मेरे को फिर से बताना। किया मेरा, एक्चुअली मैंने कुछ दूसरा डॉक्यूमेंट खोल दिया, छोड़ो। क्रॉस करना, सेव का आएगा ऑप्शन, सेव पे क्लिक करो। जहां पे भी सेव करना है वो नाम लिख के डॉट आर डॉट कैपिटल आर लिख के सेव कर दो। ठीक है, लेट्स, ये वाला होगा शायद क्लास वन। और यहाँ पे भी खोल सकते हो, जैसे ये फाइल पे जाओ, ओपन फाइल पे जाओ, सर्च कर लो कहाँ पे है फाइल, ओपन फाइल एंड वहां से यू कैन ओपन। ठीक है, चलो लेट्स डू इट टिल हियर फॉर टुडे, वील कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। इसको सब लोग प्रैक्टिस कर लेना।